यस लेडीज़ एंड जेंटलमैन कैसा चलू पड़ा है फोर्टी वन डे चालू है ऑलमोस्ट फिफ्टी फाइव सिक्सटी परसेंट अपना जर्नी कंप्लीट हुआ है एट माइल स्टोन कम्प्लीट हुआ है और अभी भी बच्चों का ऐसा चालू है कि प्रिपरेशन नहीं हो रहा है कुछ तो बताओ आज ही मेरा एक स्टूडेंट के साथ डिस्कशन हुआ चार के है सिल्वर के और अभी से, सेमेस्टर थ्री का एग्जामिनेशन भी है और के का भी है और पेपर्स बैक टू बैक है तो क्या करना चाहिए इतने कम टाइम में ये मुझे पूछ रहे वो लोग मुझे पूछा उसने तो मुझे थोड़ा ऐसा थोड़ा गुस्सा भी आया लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ मार तो नहीं सकता हूँ रीज़न ये है कि हम सत्तर दिन का चैलेंज लेके बैठे हुए आज फोर्टी वंथ डे है इतने दिन के बाद अगर तुम लोग ने स्टार्ट भी नहीं किया है तो फिर ये हम कर रहे हो उसका कुछ मतलब ही नहीं है और ऊपर से वही क्वेश्चन पूछ रहे हो तो कोई बात नहीं इफ़ यू हैवेंट स्टार्टेड इट इट इज नेवर टू लेट आज भी चालू कर सकते हो पेपर के दिन वाला फ्रस्ट्रेशन अगर नहीं चाहिए तो आज आज चालू कर सकते हो ये मैंने मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ है जब भी मैं हॉस्टल में पढ़ता था तो ऐसा पढ़ता था हॉस्टल में हमारा रूम तो हमेशा क्राउडेड रहता था रहना चाहिए तीन से चार लोग लेकिन पंद्रह बीस लोग तो हमेशा रूम में रहते ही थे दोस्त दुनियादारी ये सब इसमें लेकिन पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई हम बराबर से कर लेते थे तुम लोगों का जो प्रॉब्लम है वही हमारा प्रॉब्लम था एक टाइम पे चार घंटा कंटिन्यूसली ऐसा पढ़ाई नहीं होता था मतलब मेरा तो नहीं होता था तो मैं क्या करता था आधा घंटा का दिमाग में रखता था आधा घंटा पढ़ना है बस आधा घंटा प्रिपरेशन किया फिर थोड़ा ब्रेक लेता था पाँच मिनट फिर वापस आधा घंटा स्टार्ट मेरे पास और एक ऑप्शन था, था। थर्टी मिनट्स हो गया थोड़ा ब्रेक लिया फिर मैं जगह चेंज करता था मेरे रूम से दूसरे रूम में जाता था हॉस्टल में सेवेंटी फाइव रूम था सेवनटी तो फाइव रूम में तो हमें एक्सेस नहीं था सीनियर्स के रूम में नहीं जा सकते थे लेकिन जूनियर के रूम में जा सकते थे और जूनियर के रूम में गए तो पूरा सेवा होता था पानी भी मिलेगा ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा एक जगह भी मैं सही से मिलेगा तो किधर मेरे रूम में मिला बैठा आधा घंटा फिर दूसरे के रूम में गया फिर एक घंटा डेढ़ घंटा ऐसा चारों पाँच घंटा प्रिपरेशन हम करते थे एग्जामिनेशन के पहले अगर तुम लोगों के पास या ऐसा पचास रूम वाला ऑप्शन नहीं है तो तुम लोग क्या करो आधा घंटा प्रिपरेशन हुआ लेकिन पूरा एकदम जान लगा के पाँच मिनट का ब्रेक लो नीचे जाके आओ दस मिनट लगेगा कोई बात नहीं दस मिनट का ब्रेक लो लेकिन मैं बोलता हूँ ज़्यादा लिया तो फिर तुम लोग डाइवर्ट हो जाओगे पाँच मिनट सफिशेंट है या फिर पाँच मिनट घर पर ब्रेक ले लो जिस जगह पर बैठे हो जगह चेंज करो किचन में जाओ फिर आधा घंटा पढ़ लो किचन से उठ कर वापस गैलरी में जाओ वहाँ पर ब्रेक ले लो वापस वहाँ से उठ के बेडरूम में आओ हॉल में आओ जैसा जो भी तुम लोगों का घर का अरेंजमेंट रहेगा जगह चेंज करते रहिए सो दैट अपना फोकस रहेगा एक जगह पे इंसान बैठ नहीं सकता है उतना कैपेसिटी खत्म हो गया तो ये मेरा ऐसा सिंपल फॉर्मूला था थर्टी मिनट्स पूरा पढ़ाई करेगा पाँच मिनट का ब्रेक लेगा फिर वापस थर्टी मिनट्स पढेगा वापस ब्रेक लेगा फिर साइकिल कंप्लीट फिर ऐसे दो तीन ढाई घंटा दो घंटा तीन घंटा होने के बाद फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए चला गया फिर थोड़ा रेस्ट लिया एक आधा घंटा पौना घंटा सो गया वापस से साइकिल चालू मुझे लगता है कि कंटिन्यूसली अगर प्रिपरेशन नहीं हो रहा है तो थोड़ा ब्रेक लेके ब्रेक लेके पढ़ना चाहिए इवन देखो मशीन अगर ज़्यादा टाइम तक चलाना है तो उसको भी थोड़ा ब्रेक देते फिर चलाते ब्रेक देते फिर चलाते तो ये अगर मशीन के बारे में है तो इंसान का दिमाग तो आ, उसमें तो पचास चीज़ें चालू रहती है सो थर्टी मिनट्स हो गया या तुम लोगों का जो भी कैपेसिटी है थर्टी मिनट के पहले तुम लोग नहीं कर सकते हो तो बोलेगा दस मिनट करता हो दस मिनट का ब्रेक तो कर ही मत फिर अगली बार पेपर दे सो so 30 मिनट लिया फिर ब्रेक लिया पाँच मिनट फिर 30 मिनट मुझे लगता है ये तुम लोगों का काम कर सकता है इससे फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगा इससे टेंशन भी नहीं होगा और अपना काम चलते रहेगा तो शायद तुम लोगों को ये मेरा काम मेरा ट्रिक काम में आए पढ़ने का स्टार्ट करो और रिजल्ट के लिए खुद जिम्मेदार बनिए रुकता हूँ थैंक यू वेरी मच